हेलो एवरीवन हाउ आर यू क्या हाल है आप सबका सलाम नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जहाँ भी हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बड़े अच्छे होंगे यू you नो know? और जो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे फेसबुक पर या यूट्यूब पर तो जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि दिस इज द बेस्ट एवर ऑफ कोर्स राइट आप लोग देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को शायद गालियां पड़ती होंगी कि मेरे को क्यों देखते हो मगर फिर भी यू you नो know, और सिर्फ यानी सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करने का है वो बेल की घंटी नहीं है वो घंटी भी बजाया की जस्ट हैव टू मेक है मेरे को देख क्यों नहीं रहा है अगर आप पूछ रहे हैं कि मैंने ये क्यों पहना हुआ है तो भैया इसके पीछे ना एक बड़ी दास्तान ना इतनी भी नहीं है बस ऐसी दास्तान है लोगों ने रिक्वेस्ट किया था आज हम बात करने वाले हैं में रहने दो पर्दा ना उठाओ पर्दा जो उठ गया तो 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 हाय भेद खुल जाएगा और आज हम वही बात करेंगे किसी का भेद ऐसा खुला है ऐसा खुला है भेद तो क्या उनका तो सब कुछ ही खुल गया लिटरली अगला पिछवाड़ा सब कुछ खुल गया है उनका जिनके बारे में आज हम बात करेंगे सो so, uh, मुझे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मान लीजिए कब आ रही है तो मैंने कहा कि उन लोगों की रिक्वेस्ट जो है मैं जरा पूरी कर ठीक है ना बोलानी जी वाइट बुरा वाइट टेंट है डोंट से एनीथिंग अबाउट ओके ओके एटलीस्ट इट इज नॉट ब्लैक पर्दे का मजा नहीं मजाक नहीं तुम लोग क्या हो तुम लोग ही पर्दा करते हो हाँ ते हिंदुस्तान में घूम कर उठा के फिरती हैं समझ में आई ना आपको क्या पर्दा आपने क्या कॉपीराइट किया हुआ है कि मैं पर्दा नहीं उठा सकती हुई। पर्दे का मजाक नहीं उड़ाओ तो दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाओ तो गाड़ी का मजाक नहीं उड़ाओ तो इसका मजाक नहीं उड़ाओ तुम लोगों की लाइफ ही एक नंबर की बोरिंग है किसी चीज से बात ही नहीं करने देते हो तुम लोग सीरियसली ये मेरे फेसबुक पे है मेरे चाहने वाले उनको मैं जवाब दे रही हूँ आई नो कैसे कॉमेंट मैंने पढ़ लिया सब कुछ white, white है Hello everybody. क्या हाल है टेंट हाउस मालीज एल्बो कॉफ जानू जानू क्या हाल है जानू मिस किया मेरे को ओ भाई क्या बकवास तुम बकवास मर तुम बॉडी बिल्डर अली अपनी माँ के साथ कर ओए फातमा थर देखिए देखिए लड़कियां अब जो मेरे चैनल पे आती ना वो भी उठा के वैसे ही जूता मारती हैं जैसे मैं मारती हूँ मरदा अपना अपना पिछवाड़ा बचा लो तुम लोग कैसे बचा लो शायद चंद को चंद को मजा आता है पिछवाड़े में तो सरफे दुपट्टा ले लूं वरना की बात कर रही है और सरफे दुपट्टा भी नहीं लॉजने कितनी हरामी औरत है तो मैंने कहा हलाल तरीके से बात की जाए ना आज तो हम हलाल तरीके से बात करेंगे आज हम बात करेंगे बहुत ही नेक और शरीफ और ऐसे इंसान की वो तो भैया नूर उनके चेहरे से ऐसे टपकता है ऐसे टपकता ऐसे कभी शहद नहीं टपका होगा और क्या आप ऐसे कभी आपकी माँ के से दूध नहीं टपका होगा जितना शहद नूर इनके चेहरे से टपकता है तो हम बात किसकी कर रहे हैं जी कोई नहीं आपके जो <clears throat> मौलाना मुफ्ती अजीजुर रहमान अल्लाह उनकी शान में बरकत करे उनके काम इतने वडे वडे सो Uh, मौलाना मफी जी ने बहुत सारे कारनामे किए हैं जो हमारे सामने आए हैं और uh, जी आज हम उन पर करेंगे, करेंगे मौलाना जी की प्रॉब्लम क्या है और मौलाना जी के साथ क्या ना इंसाफी हो रही है मौलाना जी के साथ आप लोग हमारे मौलवियों को बदनाम मत, मत किया करो मौलाना कुत्ता अरे भाई आप अपने मौलाना की तो इज्जत करना सीखो हाँ अब एक मौलाना की हरकत हो गई तो आप सारे मौलवियों को गालियां दे रहे शर्म नहीं आती आपको हाँ आ, सब मौलवी कुत्ते होते हैं नहीं सारे मौलवियों को नहीं हम बोल सकते ना इस तरीके से को मौलवी मुफ्ती अजीज जिनका ताल्लुक लाहौर से है और वो लाहौर में एक मदरसे के बड़े मुफ्ती हैं, बड़े यानी बड़े इंसान हैं, इनका नाम है और उसका नाम है जामिया मंसूर इस्लामिया जहां तक मुझे पता है जहां तक मैंने रिसर्च की थी तो अब आप कहेंगे कि मौलाना जी ने ऐसा क्या किया शक्ल भी मैं दिखा देती हूँ आपको ठीक uh, है ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि हमको ये तो पता चले ना कि शक्ल कैसी है बंदे की ये वो अजीम इंसान है अजीम इंसान है ये जिन्होंने जिनका एक वीडियो वायरल हुआ है गाइस ये है मुफ्ती अजीज रहमान जिनका एक बड़ा ही हॉट स्टीमी वीडियो वायरल हुआ है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कैसे नहीं देखा भैया हर जगह तो वायरल हुआ हुआ है यहाँ तक कि मेरे को भी मिला हुआ वीडियो <coughs> ये अलग बात है कि वो वीडियो देखकर यानी एक वीडियो नहीं है एक्चुअली वीडियो एक नहीं है इनका इनके आए हैं मेरे ख्याल से <coughs> तो पांच वीडियो आए हैं इनके अब ये हैं कौन इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये वो ही मौलाना जी हैं अगर आपको याद होगा तो एक सबा कमर के ऊपर और सबा कमर थी और वो दूसरा बंदा कौन था यार आई, फिर मेरे दिमाग से हिजब वेरी गुड सिंगर ऑफ पाकिस्तान तो उस बंदे ने इन लोगों ने एक गाना या पता नहीं क्या शूट कर रहे थे ये शादी का सीन शूट कर रहे थे और इन्होंने वो शूटिंग की एक मॉस्क में मस्जिद में तो इन साहब ने उनपे फतवा जारी कर दिया था कि उनकी जानों को खतरा हो गया था तो इन्होंने कहा था कि हाय आप ऐसी हरकत एक ट्वर्ल किया था उन्होंने सिर्फ क्या आप गाने फवाद खान नहीं था नहीं क्या आप गाने बिलाल बिलाल सही बिलाल सईद तो so, बिलाल सईद और जो सबा का दोनों के बाकी लोगों को पीछे पका इन्होंने लगा दिया और फिर उनको अपोलोजाइज करना पड़ा था आकर के ओ वी आर सॉरी हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाह रहे थे हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाह रहे थे ब्ला 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 यू नो क्योंकि सबा कमर और बिलाल सईद कुछ अमीर इंसान है तो ऑब्वियसली जब ऐसे फतवे लगते हैं तो फिर भी उनके पास सिक्योरिटी है दे कैन मैनेज मगर अगर यही चीज किसी गरीब इंसान ने की होती तो पता ही नहीं उसके साथ क्या होना था जब फ्रांस में चीजें हो रही थी ये अगर आप देखिए ये पिक्चर तो ये पीछे लगा हुआ है खत्म नबूवत वाले हैं ये और ये बड़े उठ के बड़े आगे आगे होकर खत्म नबूवत की दावत देते हैं दावा देते हैं और इन्होंने फ्रांस के ऊपर बड़ा चीखा था कि फ्रांस को यूं करो तो यू करो तो वो करो, तो करो इन्होंने इन्हों so, उसके अलावा इन्होंने और क्या किया था तो उसके उसके अलावा इन्होंने मलाला जो है उस पर भी बड़ा क्रिटिसाइज किया था जब मलाला का स्टेटमेंट नहीं आया था कि यू नो आप रह सकते हो पार्टनरशिप के साथ शादी करने की क्या जरूरत है तो ऑफ कोर्स भैया इनको तो सबसे आगे आना है कि देखो हम सबसे अच्छे मुसलमान हम आपको बताएंगे आप पे फतवा जारी करेंगे हम बड़े अच्छे नेक शरीफ बंदे हाँ ये वही मुफ्ती जी हैं जिन्होंने हर किसी की जान पे जो है ना अटैक करने की कोशिश की कि भैया आपने ये किया तो इन पे फतवा लगा दो इस औरत ने ये कर दिया तो इस पे फतवा लगा दो तो उस औरत ने वो किया और आई एम श्योर कि जब मेरा जैसे मेरी मर्जी आ

तुम्हारी वजह से तो रेप हो रहे हैं ये सारा मेरे मत्थे आके डालते हैं ये लोग तो है उसमें तो तो मौलाना जी जो है लेटे हुए हैं बड़े मजे से और उनके ऊपर एक शागिर्द है उनका जो आई थिंक वो बंदा भी बीस साल यानी अपने ट्वेंटीज में है वो और उसने जो है वो आता है उसने सेट किया कैमरा उसने रिकॉर्डिंग की इस चीज की और फिर और फिर वो आता है वो उनको जो है उनके ऊपर बैठता है और वो वो करता है और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है उनके घर में नहीं हो रहा है ये सारी वहां पे मस्जिद हो रहा है सामने कुरान पड़ा हुआ है तो यहाँ पे हदीसें पड़ी हैं तो हर जगह एक वर्सेस हैं और ये मस्जिद से लगे हुए पहले यूं यूं पहले उस तरफ फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा मेरे को मेरे को मजा नहीं आ रहा टर्न अराउंड मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं मेरा जो है ना मैं तो वो फिर टर्न अराउंड करता है तो फिर अचानक उससे पहले उससे पहले की तो मैंने बात ही आपको नहीं बताई उससे पहले तो मैंने बात ही नहीं बताई ना उससे पहले वो और वो जाता है बंदा पहले तो निकालता है उनका पैकेज फिर उनका पैकेज जो है वो हिलता है अच्छे तरीके से अपने हाथ में ऑयल भी लाते हैं ऑयल है सब कुछ ये सारी चीजें इनको यानी प्रोवाइड की जाती है मदरसों में ये मदरसा था सॉरी मोर्स नहीं है मदरसा है सो so, <laughs> मदरसा है यह पॉइंट शूटिंग की जगह बना के रखी है आप लोगों ने यहाँ ओ मजे ले ले के उ, 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 कर कर के मौलवी साहब जब अच्छी तरीके से फारे हो गए मिनट में बंदे तू भी ना खुश खुश रहो कि वो बंदा पांच मिनट में फारे हो गया सो so, um, ये एक वीडियो मैंने देखी फिर एक वीडियो मैंने इनकी देखी थी जहां पे इनकी न, 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 हो रही थी और वैसे उस दिन मैंने कहां पे ये देखी थी मैंने मेरे ख्याल से मेरे पास ये है मौलाना जी वैसे आप मुझे बताइएगा कि okay, जो बंदा आपकी हाथ से मालिश कर रहा था तो वो मुझे एक और मौलवी मिले थे उन्होंने तो कुछ और ही कहा था इस बारे में तो मैं मैं जरा ना थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि अब क्या होगा उस बंदे से जो आपको आप यानी हाथ की मालिश दे रहा था उसका क्या होगा कहाँ गया यार उस दिन मैंने देखा था मैंने स्क्रीन लिया था उसका I took a screenshot of it it because was so, hmm, so ridiculous. हाँ, तो मौलाना जी, तो जी अब क्या होगा उस बेचारे बच्चे का आई I मीन mean, उसका तो हाथ प्रेगनेंट करवा दिया ना अपने आ, दो जग में आफ्टर लाइफ में उस बिचारे का क्या होगा बिल कह रहे हैं

इन मौकों के लिए तुम्हें बैठी होती हूं हाँ बहन चोद के लोड़े, जब हम कुछ करते हैं औरतें हमारी लाइनें दिखती हैं तो इन मौलवियों को बोला करो ना आपको बोलने की क्या जरूरत है हमें पता है वो खराब होते हैं, मगर आपको उन पे फतवे लगाने की क्या जरूरत है तो अब तुम्हारी गांड से छो नहीं निकलती है और यहाँ के भोंक के अपनी गांड इतनी बड़ी बड़ी फाड़ के मौलाना की साइड ले रहा है कि मैं बात ना करूँ उसपे क्यों तुम लोगों को शर्म आ रही है शर्म आ गई तुम लोगों को कि तुम्हारे पाकिस्तान में ये हरकतें हो रही हैं शर्म आ गई वा जी वाह बड़ी बात है आपको शर्म आ गई यही बड़ी बात है बिलाल कि तुमको शर्म तो आई एटलीस्ट और ये कह देना कि वो मुसलमान नहीं है ना तो बहन तुम जैसे ही गांडू ना ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं समझ में आई ना आज इसकी ये चीज आ गई सामने तो तुम बकवास मतलब तुम जैसे गंडू जो होते हैं ना इनकी गांड के अंदर घुसे हुए होते हैं ऐसे मौलवियों की और जीना हराम कर देते हो बकवास मौलाना के बारे में बात क्यों करती है guys, आम, back to मौलाना जी करतूते हम तो बताएंगे डंके की चोट पे खड़े होके बताएंगे मस्जिद के स्पीकर्स में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे मौलाना ने क्या भयंकर हरकत की है तुम्हें क्या लग रहा है ये आज की हरकत है अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बंदा जो है उसने पहली दफा इस तरह से इस विक्टिम के साथ ये हरकत की जिसका वो रेप कर रहा था बेसिकली तो आ, नहीं नहीं जी ये वीडियो जो है ये 2 साल पुरानी है ये वीडियो कोई नई वीडियो नहीं है ये दो साल पुरानी वीडियो है और उससे पहले पता नहीं इस बंदे को कब से सेक्सुअली किया जा रहा है और जब इस बंदे ने इनकी कंप्लेन की थी दो साल पहले तो मदरसे वालों ने उनकी बात यकीन नहीं किया था क्योंकि भाई हमारे इतने नेक शरीफ इंसान जो पूरी दुनिया को चूतिया बनाया हुआ है जिन्होंने तो वो कैसे वो वो कैसे ऐसी हरकत कर सकते हैं वो हरकत तो हम करते हैं ना हम करते हैं ऐसी हरकतें यू हाउ आर आ, नहीं नहीं वो तो हमारी है ना हम करते हैं ना ऐसी हरकतें क्योंकि म, हम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं यू नो यू नो मगर इनके मौलाना मस्जिद में मदरसों में भी सेक करें, तो चलता है कोई बात नहीं मौलाना है यार मौलाना है तो शरीफ कौन हुआ शरीफ कौन हुआ हम्म कपड़ों से कुछ नहीं होता तुम लोगों का दिमाग गलीज है गंदा है अच्छा सो अब मौलाना जी की सुनिए भाई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मौलाना जी की तो हवाइया उड़ गई क्या हो गया मेरे साथ <laughs> ये की, की था तूने गॉड oh वो कह रहा होगा यार कहा फंस गए ये क्या हुआ मौलाना जी वैसे जब वो बंदा रिकॉर्ड कर रहा था आप कैसे इधर चूती हो आपको पता नहीं चला

अब आ रही है आवाज इन यू हेयर नाउ आवाज अब आ रही है यार क्यों नहीं नहीं नो यस परफेक्ट ऑडियो इज गुड आ परफेक्ट परफेक्ट ओके सुनिए जरा इनकी बातें जब तक मैं अपनी आंखों का ना मेकअप करती लेकिन उन्होंने हजरत अकलस मौलाना हाफिजीम साहब आली, मोहतम शेखुलदीस जाम अशफी लाहौर को तहकीकत का हुक्म दिया लेकिन उन्होंने मेरी पाक दामनी पर मुकम्मल इन वीडियो को कौन कौन सा दामन? आपका कौन सा दामन दामन है आपका होता आप लोगों का तो दामन ही नहीं होता दामन तो ये होता है दामन तो ये है किसी को तो कहते हैं ना पाक साफ दामन हमारा तो बड़ा गंदा हो गया है ना तभी तो आप लोग देखते रहते हो दामन दामन तो ये हुआ ना दामन आपका कौन सा दामन है पाक साफ दामन फिर क्या आ गए You are a joke. कर दिया लेकिन मैंने उस वक्त भी ये वीडियो नहीं देखी क्योंकि वीडियो किसी को देने को तैयार नहीं थे इसके बाद तकरीबन महीना पहले एक मरूफ टीवी चैनल से एक फर्द ने रात के वक्त काल करके दबाव डालने की कोशिश की और मुझे मदरसा छोड़ने का कहा लेकिन मैंने इनकार कर दिया इसलिए कि मुझे अपनी पागदामी का मुकम्मल यकीन था और मेरे पुजो पर सहाफी ने वीडियो मेरे हवाले रखी इसके बाद तकरीबन तीन जून को रात साढ़े ग्यारह बजे बाहर से नामालूम अफराध मदरसे में मेरे घर आए उस वक्त मैं आराम कर रहा था उन्होंने मेरे बेटों को इन वीडियो I'm not following him, don't use follow language. मुझे आके आप पे बोलोगे ना कि मैं किसी से बात कर सकती नहीं कर सकती तो मैं आपकी में दूंगी क्योंकि मेरा चैनल है मगर यहाँ आके अपने मौलवियों की हिमायत मत करो ठीक है ना इनके साथ भी किसी मौलवी ने कुछ किया होगा प्यार कि कुछ जल किया दिखाई और चौबीस घंटे में मदरसा छोड़ने को कहा और बावजूद इसरार पर मुझे वीडियो हवाले न की लिहाजा इस वक्त भी मैं ये वीडियो खुद मुलाहजा नहीं कर सका मुझे चूंकि अपनी पाक दामनी का यकीन था इसलिए मैंने इनकी धमकियों की कोई परवाह न की लेकिन मैं चूंकि दिल का मरीज हूँ इसलिए मेरे बेटे ने ये वीडियो मुझे नहीं दिखाई और वीडियो के साथ कुछ इनका मतलब है ये दिल के मरीज यानी दिल फेक मरीज है जहाँ इनको लड़का या लड़की जो भी दिखता है यानी बकरा या बकरी या होल भी दिख जाए नो वो उसमें घुसेड़ देते फेक काल भी बनाए गए थे आज मगरब तक मोरखा सोलह जून इन वीडियो के शहर से, से मैं मुकम्मल इनकार करता रहा क्योंकि मुझे इन वीडियो के सही होने पर बिल्कुल यकीन नहीं था आज मगरब के बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई और मेरे शरीर पर मुझे दिखलाई गई अब इन वीडियो की मुकम्मल हकीकत तफसी नार करता हूँ मैं आज साहब पच्चीस साल से जामिया मंजूर इस्लामिया में तदरीस से मुंसलिक हूं पच्चीस साल से तुम आ रह रहा है oh my God. Thank you. 25 साल से इस चूती को आ रखा हुआ है इमेजिन करो कि पच्चीस साल में इस बंदे पे तहकीत तो होनी चाहिए कि पच्चीस साल में इसने कितनों का रेप किया होगा पच्चीस साल में कितने बच्चों की जिंदगी इस बंदे ने बर्बाद की होगी पच्चीस मैं तो कहती हूँ कि और भी जो लड़के हैं शर्म वरम छोड़ो तुम लोग बाहर आओ इस मौलवी की जो है ना असलियत दिखाओ सबको ये एक बंदा नहीं हो सकता है ना 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 ये एक बंदे की बात नहीं है दिस इज हजरत रेटरत मौलाना पीर सैफुल्ला खालिद दम तक मुझ पर मुकम्मल आतेमात था इन्हीं की ख्वाहिश पर मेरे बड़े बेटे मौलाना अल्ताफ रहमान को यहाँ इनका कहना ये था कि मुझको जो है नशा दिया उस बंदे ने और फिर मेरे साथ ये हरकत की वो कहेंगे ना माली जब अपनी ओनली फैंस में नंगी नंगी तस्वीरें तो बेचती हो तो मैं कहूंगी कि नहीं बेटा मैं अपनी ओनली फैंस पे आपके मौलाना की नंगी नंगी तस्वीरें तो बेचती हूँ जानू बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया है मेरे दिमाग में अम um, सो so, एक और मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ जो बंदा है जिसके साथ रेप हुआ है जिसको इन्होंने किया राइट uh, सो right? so, उनको भी दिखाते हैं छोटा बच्चा तो नहीं है वो ऑब्वियसली क्योंकि इन्होंने कहा कि ओ वो जो है आ, मर्जी से अपनी कर रहा था यू you नो know, और वो कोई यानी अंडर एज तो नहीं है उसे अपनी मर्जी से करा यानी उनके खुद के बयान में इतनी वो चीजें थी यानी बंदा झूठ बोल रहा था ऑब्वियसली इधर से उधर उधर से इधर जंप मार रहा था वो मगर भाई हिम्मत है कि इतना मुंह लेकर आके बैठ के कहता है कि मैंने नहीं किया जो तू सामने तू मजे ले रहा है ओ, ओ ओ ओ कर रहा है फिर बाद में वैसे कहता है कि जाके कपड़ा भी लेकर आओ कपड़ा भी लेकर आओ मैं आपको ना एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या ओके ना ये हम हम इसको दिखा तो नहीं सकते मगर हम रिक्रिएट तो कर सकते हैं ना हम्म थोड़ा सा मैं आपको रिक्रिएट करके दिखाती हूँ ठीक है ना सो so, दाढ़ी 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 रखनी पड़ेगी मुझको तो दाढ़ी हो गई मेरी ठीक है ना ये मजा नहीं है ना जब तक तो वीडियो आपको समझ भी नहीं आएगी कि हुआ क्या तब तक आपको यू you नो know, तब मैं वो स्टूडेंट हूँ ठीक है और ये जो है मेरी चेयर जो है ये मौलाना जी है भैया फोकस में रहना ओके okay? तुम्हारा की फोकस जा रहा है, तो कवर तो कर ये दिखाना जरूरी है क्योंकि जो बेचारा विक्टिम था ना उसने कोई नहीं पहनी थी उसने कोई ड्रेस नहीं पहना था उसने नहीं, आपको कुछ कपड़े उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ी बस यानी क्या शलवार में होल था क्या कैसे बस एनी ऐसी तो मेरी भी इजी एक्सेस नहीं है एनी ओके ना तो ये ये है मौलाना जी यहाँ पर ठीक है ना तो मौलाना जी वहां पे बैठे हैं इस तरह से जिसमें मैं प्रटेंड करके दिखाती हूँ तो मौलाना जी कैसे बैठे हैं वहां पे ओके okay guys. वो वो यहाँ जल्दी जल्दी आते जल्दी जल्दी यहाँ बैठे हैं तो वो आता है वहां पे तो वो आ के वहां पे यू you नो know, वो बंदा बंदा आता है तो बंदा यहाँ पर मौलाना जी के सामने बैठ के तो यूं 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 होना हो शुरू हो जाता है ठीक है ना तो फिर जब यूं यूं यू होता है तो फिर मौलाना जी उससे कहते हैं फिर बोलता तेल लेके आ तेल लेके आ तो बंदा फिर वो तेल लेकर आता है वो पूरा तेल वेल वहां पे अच्छे तरीके से तेल डालता है और फिर वो बैठ के जो है यूं आ ज होती है ना रिवर्स इसे कहते हैं रिवर्स का ऑगर्ज अगर आपको ये पोजिशन का नहीं पता गाइस तो एक होती है का रिवर्स बंदा पीछे आपके, तो आप यूं करके तो ये रिवर्स है ना उसकी शक्ल नहीं बर्दाश्त होती ना जब आपको किसी अपने पार्टनर की तो ये पोजिशन किया करो तो वो अच्छा अच्छा मजा नहीं आ रहा मौलाना जी नहीं पीछे बैठे मजा नहीं आ रहा मजा नहीं आया टर्न अराउंड शक्ल टर् देखनी है तुम्हारी शक्ल देखनी है तुम्हारी खूबसूरत तो वो बंदा फिर टर्न अराउंड करके ऑयल मस्ट ऑयल पता नहीं कौन सा तो फिर वो बंदा तो तो you know, तो तो जब मौलाना जी फार होते हैं तो वो उसको फिर बोलते हैं बेटा, बेटा, जल्दी से टावर लेकर आओ साफ करने सफाई करनी सफाई करनी तो फिर आके उनकी वो सफाई होती है और फिर मौलाना जी जो है वो बड़े थक जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो सारा काम किया ना

बेचारे के साथ जुल्म हो रहा है पता नहीं कब से ये कर रहे हैं ये हरकतें और नो एक्शन टेकिंग नो क्या हुआ नहीं कुछ नहीं हो रहा हमारे मौलाना जी हम उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकते हो ओके ओके ये हैं है? तो ब्लैकमेल कर रहे हैं और साथ से ये कह रहे हैं कि हम आपको जांच

नहीं नहीं ये सजा सही नहीं होगी मौलाना जी के लिए क्योंकि मौलाना ऑलरेडी डंडा ले चुका है अपनी गांड के अंदर तो उसको मजा ही आएगा उसने और मजे से ले लेगी ना कान में डंडा लेना है तो नहीं इसके लिए कुछ और ही लेकर आओ किसी और ही तरह की पनिशमेंट हमें करनी पड़ेगी अच्छा तो ये आ, जो है मौलवी साहब जो थे ना इन्होंने अगर आपको याद हो मैंने बात की है कि मलाला के ऊपर भी इन्होंने बड़ी आवाजें उठाई तो सबा कमर के ऊपर भी इन्होंने आवाजें उठाई तो यू नो खत्म नबूवत में भी सबसे आगे आगे ये तो पॉइंट में भी सबसे आगे आगे वैसे मौलाना जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मैं जज नहीं करती हूँ आप गे हो आप लेसबियन हो आप कुछ किसी भी सेक्स को पसंद करो आई डोंट केयर मगर आपके इस्लाम में मना है हम जिनसी तो मना है कौमे लूत के बारे में नहीं सुना आपने मौलाना जी क्या मैं जैसी काफिर और ऐसी वाहियत औरत को आपको कौम लूत के बारे में बताना पड़ेगा मौलाना जी आप भूल गए हैं क्या या मुझे लगता है कि जो कौम लूत का इनकी रिलीजन में मेंशन किया है तो इसी तरह के कोई मौलवी हजरात होंगे उस टाइम में जिन्होंने ये हरकतें की होंगी तो इस वजह से वो वाक लिखा गया है और कौम लूत वापस आ गई है वापस आ गई है और वो ये है मौलवी ये नई कौम लूत है

ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इस पे और बट टू गो लुक वेरी फार बहुत करीब ही आप जाके थोड़ी सी सर्च करें ना तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मौलवियों के बारे में मिल जाएंगी जो आपके सामने है तो मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन करती हूँ दोबारा से एंड आई शो यू की मौलवी क्या करते हैं और हम क्यों ना इन पे बोलें तो मैं सिर्फ कल सर्च कर रही थी तो मैंने यहाँ जाके ना सिर्फ ये लिखा है मौलवी स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट मौलवी मैंने लिखा है दिख रहा है ना आप लोगों को ओके okay. सो so, अब ये ट्विटर पे आप जाकर अगर आप, आप लिखेंगे ना मौलवी स्टूडेंट तो नीचे देखें आपके सामने क्या आएगा ये देखें जुल्म की इंतहा मैं ये वीडियो चलाऊंगी नहीं क्योंकि ये बहुत वायलेंट वीडियोज हैं मेरा उस पर स्ट्राइक ना पड़ जाए तो ये देखें कितने बुरे तरीके से ये बच्चे के हाथ पे बेल्ट से मार रहा है ठीक है ना कुत्ते की तरह ये देखिए ये एक और बच्चे को कितने बुरे तरीके से जाहिल जंगली इंसान मार रहा है फिर ये देखिए यहां पर एक और मौलवी देखो कितने कितने बुरे तरीमी तरीके से उस बच्चे की जान लेने की कोशिश में लगा हुआ है इसी तरह से आप जब जाए ये देखिए आ... यार ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा सही से हाँ ये वाला नहीं चल रहा है वीडियो नो 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 कहा गया ओके okay, um, ये एक और मौलवी हैं ये uh, मदरसे में असोल्ट करते हुए पकड़े गए हैं ये वाली भी वीडियो है एक और ही ऑल्सो जस्ट गॉट सस्पेंडेड आप बस देख लें यहाँ पर आप जाए और यहाँ पर आप ये देख लें एक और मदरसा में किस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है लड़कियां हैं लड़के हैं ये देखिए एक और वीडियो आ गई है मौलवी की जो पीट रहा है बच्चों को आ, ये देखिए एक और मौलवी की ये देखिए कौन सी वीडियो आ रही है जिगी जिगी करते हुए डिंग डोंग करते हुए तो ये चीजें भरी पड़ी है भैया इंटरनेट में भरी पड़ी है आप आप एक उठाओ तो दस हजार आपके पास आ जाते हैं और ये वो हैं जो सिर्फ ट्विटर पे हैं वैसे आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में और पता नहीं कैसी कैसी वाहियात गंदी गंदी आप लोगों की आ, वीडियोस जो है वो शेयर हो रही होती हैं एक एक मौलवी एक मौलवी कितने बच्चों का रेप करवाओगे तुम लोग कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करोगे तब जाके मदरसे बंद होंगे जब तक तुम लोग ये मदरसे नहीं बंद करोगे ना देर इज दैट इज गोइंग टू बी डन तो कंक्लूजन कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये चीजें ना खत्म हो रही हैं ना खत्म होंगी क्योंकि जो पाकिस्तान के चूतिया लोग बैठे हैं ना आई एम सॉरी टू से आप लोग चूतिया हो जो लोग अपने बच्चों को इन मदरसों में डाल रहे हैं और मदरसों में इससे डाल रहे हैं कि हो उनको दीन की तालीम आ तो बहन अपने घरों में पढ़ाओ ना दीन घर में पढ़ाओ दीन अगर मौलवी को घर में बुलाना है तो सामने बैठो मौलवी के जब बच्चा बैठा है तुम लोगों ने बहन चौध दुनिया भर का तुम लोगों ने वो करना है सारा इंटरनेट पे बैठना है और सारा दिन फोन पे लगे रहना है मगर बच्चे को टेंशन नहीं देनी है बच्चे के ऊपर नजर नहीं रखनी है छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेज भेज देते हो पांच छह साल के बच्चे बाहर अकेले क्या घूम रहे हैं पाकिस्तान में जहां ऐसे दरिंदे रहते हैं वहां पर आप अब छह सात सात साल के बच्चों को वहां पर भेज देते हो और ये हो क्यों रहा है क्योंकि बच्चे उनके लिए ईजी एक्सेस है बच्चे बताते नहीं है बच्चे डर जाते हैं बच्चों को डराना आसान है और जब बच्चे बताते भी हैं तो माँ बाप उन पर बिलीव नहीं करते हैं कि नहीं हमारे मौलवी साहब तो ऐसा नहीं कर सकते ना वो तो, तो, तो ने नेक इंसान है वो कैसे ऐसे कर सकते हैं वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते सो so, आप लोगों को जो है ना हो जो कहते हैं ना होश के नाखून लो अपना दिमाग जो है वो दूसरी चीजों से हटा कर ना रिलीजन की गांड में से उठ कर जरा अपने बच्चों की तरफ देख लो क्योंकि आप लोगों के बच्चों के साथ ज्यादा पे ज्यादा होती जा रही है और तुम लोग मदरसों में भेजा हुआ है उनको क्या सिखा रहे हैं मदरसों में सेक्स करना सिखा रहे हैं हाँ मुझे तो नहीं लग रहा मदरसे में उनको कोई दीनी तालीम दी जा रही है सिर्फ मुझे सेक्स करना सिखा रहे हैं बच्चों को आपके बच्चा जो है ना हाफिज कुरान और सेक्स एक्सपर्ट एक साथ बन जाता है फिर टू बी ऑनेस्ट सो इस तरीके से हमारी जो आगे की नस्लें हैं खुदा का खौफ करो लड़कियां लड़कों पे सब पे अपने बच्चों को मदरसों में भेजना बंद कर दो मैं तो कहती हूँ मदरसे बंद ही हो जाने चाहिए और अब अगर नहीं इन लोगों ने कोई एक्शन लिया इस पे क्योंकि मौलवी है तो कैसे लेंगे एक्शन कैसे कुछ करेंगे लास्ट जो मैंने सुना था वो ये था कि हाँ मौलवी को गिरफ्तार कर लिया अब क्या होगा वी सी देखते हैं क्या करेंगे लोग आई डोंट थिंक कि कुछ होगा पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ नहीं होना मौलवी चलाते हैं उस मुल्क को एंड दैट्स इट नहीं अभी अभी देखो ना वैसे पाकिस्तानियों ने शोर तो मचाया कोर्स शोर मचाया है पाकिस्तानियों ने जो सेंसेबल पाकिस्तानी है लोगों ने बहुत बोला तो है इनके बारे में मगर देखो ना आगे होता क्या है We don't know कि what is going to happen.